जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले हैं। बहुत बढ़िया बजाओ। हाँ देखो आप लोग सुनो कैसे गा रहे हैं। जय हो। थोड़ा देर बिना बाजा बजाए हल्के ना खाली ले एक आप लोग बड़ी अच्छा गा रहे, मुझे सुनाई दे रहा है कि जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम। आप लोग मत गाओ। जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा देखो आनंद मेरे राम गाड़ी वाले भगवान गाड़ी वाले मेरे। जल्दी जल्दी गाड़ी चली ता जल्दी हम कहू पाई हो, जल्दी जल्दी गाड़ी चली ता जल्दी से पहुंचाई, टाइम से पहले पहुंचब ता का करब ये भाई हो, का करब ये भाई हो, का करब ये भाई हो। अब बताइए स्नान शाही स्नान कब है? आज है ना, 12 बज गया ना, अभी 11 तारीख कोयला से करो फायदा था, या पहले 9 तारीख को आ जाते कोई फायदा होता। टाइम से गाड़ी पहुंचनी चाहिए। जल्दी जल्दी हाँकब गाड़ी जल्दी से पहुंचाई हो, जल्दी 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 से पहुंचाई तब का करब जाके भाई, तब का करब जाके भाई, तब का करब जाके भाई। अरे सही समय पे तू पहुंचा दे, सही समय पे तू पहुंचा दे, सही समय पे। इतने तो कहना है। देखिए हम लोग गाना बजाना तो करते हैं ना, अब गाना बजाने भी क्या है कि हमेशा राग रसोईया पागरी कभी कभी बन जाए, अब मान लीजिए कभी कभी साउंड में जवाब दे जाए तो हमेशा जो मशीन का साउंड है गुरुजी वो कभी कभी डिस्टर्ब करता है। आप सुबह सुबह उठिए और सुबह आसन लगा के कहिए हो, अगर मान लीजिए अकेले कर रहे हो हरि ओम नमः शिवाय, अकेले बोलिए मत हाँ मत मत, तो कभी कभी ऐसा लगता है ईश्वर भी आपके साथ गा रहा है। महात्मा लोग साधक लोग जब ऐसा कहते हैं तो उस समय बाजा थोड़ी बजता है। हमारे साथ आप लोग भी बोलिए, जरा एक सुर देना बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम नमः शिवाय। अब ऐसा लग रहा है कैसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाही स्नान का असली आनंद हम ही लोग ले रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम गुरु चरण में बैठ के हरिओम नमस्ते करते हैं। हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ऐसा लागत है कि सब मनोज तिवारी से बढ़िया गायक बैठे। कि जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम दास, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम दास वाले, भगवान गाड़ी वाले, मेरे राम दास वाले, भगवान गाड़ी वाले, विश्वास गाड़ी वाले, कैलाश गाड़ी वाले, विश्वास विश्वास गाड़ी वाले, कैलाश गाड़ी वाले, विश्वास गाड़ी वाले, कैलाश गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे 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 जरा धीरे गाड़ी हाँको जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई, इस मुहूर्त में ईश्वर से मिल जाना है, कुंभ में नहा के कमल जैसा खिल जाना है। हमारी हमारी बात समझ गए ना, क्या बात है। कभी कभी मन स्वार्थी हो जाता है, ये बिल्कुल मेरा ये भाव है कि शुभ मुहूर्त में स्नान करके मिल जाना है, अपनी शक्ति समझ के यूं खिल जाना है। इसलिए मेरे मन में आ गया कि जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, स्नान की बेला आ गई। हम तो स्नान ही बोल रहे हैं, लेकिन सब समझने लगा था मनोजवा जब बोला था तो। बहुत अच्छा है। मैं इसी के साथ अपनी तरफ से, मैं तो यही हूं। हम लोगों ने जो सुर की सरिता बहाई है, एक छोटी सी कभी गुरु जी के आश्रम में ही दो छोटी छोटी बच्चियां मिली थी, उनमें से एक का गाना सुना मैंने, और आगे चल के वो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नामचीन बेटी हो गई, और उनके पिताजी अपर्णा विष्ट के पिताजी यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। ये हमें संगीत बहुत कुछ दे देता है भैया, संगीत। देखिए ना, आप लोग कितना सुर में गा रहे हैं,
अब सब कोई संगीत थोड़ी सीखा होगा, गांव में कीर्तन किया होगा, सोमारी गोले हुई, मंगलवारी सब अपने मंदिर में गुरुद्वारे में सुनते सुनते हमारे मन में आ गया। गुरुजी ने कहा कि आप लोग, आपको मनोज, क्योंकि आज मैं एक पायलट बाबा के आश्रम में आया था तो गुरुजी को पता चल गया तो मैं तो इनका चेला हूं। तो उन्होंने बोला अधिकार से, किधर आ रहे हो? मैंने कहा आप ही के पास आ रहा। बोला देखो झूठ बोल रहा है, आ तो रहा है। हमने कहा वहां आ रहा हूं 10 बजे तक, उसके बाद आ रहा हूं आपके यहां। झूठ बोलना कला नहीं है, झूठ बोलना तब तक बुरा नहीं है जब तक आपको झूठ को सत्य कर देने की क्षमता है। अब बता दीजिए, अगर कोई ऐसा झूठ झूठ है जो आप सही कर सकते हैं उसको, तो उसको झूठ थोड़ी कहा जाएगा। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नष्टमेव हि। तो ऐसा झूठ मत बोलो जो सफेद झूठी हो, झूठ दूर तक झूठ हो। अगर हम कहते हैं आज की, मैंने गुरु जी से झूठी तो बोला था, गुरु जी बोले अरे मनोज मनोजवा 9 तारीख को कहां आ रहे हो? मैंने कहा गुरु जी आप क्या आ रहे हो, बोले झूठ बोलता है, आप तो आ रहे हो पायलट बाबा के। गुरु जी उनके बाद आपके पास आ रहे, तो मैंने उस झूठ को सत्य कर दिया। ये गलत बात तो नहीं है, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अगर हमने मन में संकल्प ले लिया कि हमें ये करना है तो हम कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी हम ऐसे गीत गाते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, हमें हमारे लिए बहुत ताकत बनते हैं। जैसे ऐसे ही मैंने गाना गाया था, माँ विंध्यवासिनी का गीत गाते रहता हूं, मेरे लिए विंध्याचल जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरा विंध्याचल वहीं रहता है, मेरी माँ वहीं रहती है, सामने रहती है। तो मैंने गाना भी गाया गुरु जी कि विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी, विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी, छाया होला भर संसार जग से निहारो, मन से दर्शन कर लो, हो सकता है ना भैया।
आंख बंद करिए और आपके सामने संगम उपस्थित है। आंख बंद करिए, आपके सामने मन कामेश्वर मंदिर उपस्थित है। आंख बंद करिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर उपस्थित है। वो भी तो एक दर्शन होता है। इसलिए मैंने गीत को लिखते समय मैं डर भी रहा था कि पता नहीं लोग आगे चल के क्या सोचेंगे। मेरे गानों के शब्द हैं, भाव के भूखाइल मैया, भाव के भूखाइल मैया, भगतन के चीनी ले ली, होली देली बजर के वहाड़, मन से निहार ली जग तरणी भवानी, समन्वे मिली है खा जग तरणी भवानी, समन्वे मिली है तारी। गुरुजी, वैसे तो हमने इतने तरह के गाने गाए हैं। आजकल बच्चे हमारा गाना गाते हैं, चटगनी मार दिली खींच के तमाचा, और ही हंसने रिंकिया के पापा। तो बच्चों के लिए भी गाता हूँ, लेकिन मूलतः एक शिष्य हूँ, सत्य सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला हूँ। और मेरा ये विश्वास है कि हिंदू संस्कृति के वट विशाल, मेरा ये विश्वास भैया, हिंदू संस्कृति के वट विशाल, जाने कितने सूर्योदय मध्यान अस्त हमने झेला, मेरा ये भी विश्वास है। और मेरा ये भी विश्वास है कि जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तब कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। लेकिन गंगा मैया पे विश्वास है, गंगा मैया के लिए हमेशा एक ही भाव है कि जय जय गंगा महारानी, निर्मल है तेरो पानी। ये सुर बढ़ा दिया मैंने, चार काली चार। गंगा जी के गीत के साथ मैं समापन करूंगा। मैं जो सुर में गा रहा था वो कहाँ गया? मैं किस सुर में गाया था अभी? नहीं, अभी जो गाया था मैं कहाँ से गाया था? एक साथ गाइए, अब तो यही रखना। जय जय गंगा महारानी, निर्मल है तेरो पानी, जय जय गंगा महारानी, निर्मल है तेरो पानी, तुझसे न बढ़ के कोई दानी, दयाली मेरी तेरे मुझे दे, तुझसे न बढ़ के कोई दानी, दयाली मेरी तेरे मुझे दे। जय जय गंगा महारानी, निर्मल है तेरो पानी, जय जय गंगा महारानी, निर्मल है तेरो पानी, तुझसे न बढ़ के कोई दानी, दयाली मेरी तेरे मुझे दे। अपनी क्या औकात है, तुझे जोगी सन्यासी तुझसे है पावन काशी, तुझे जोगी सन्यासी तुझसे है पावन काशी।
दोनों हाथ उठना चाहिए, सबकी तालियां बजनी चाहिए कि तुझसे ना डर के कोई दानी दया एक बार प्रेम से बोलिए कुंभ भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु जी कुछ कहेंगे? सब लोग एक मिनट बैठे रहो, क्यों उठ रहे हो अभी? मनोज बाबू, ये आपका छोटा भाई चांद, ये आपको पता है इस देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है, मेरा बेटा है, और ये डिप्टी कमांडेंट था, अभी एक फुल कमांडेंट हो गया। अभी 8 दिन पहले देश में बहुत सारे कमांडेंट एसएसपी हैं, एसपी हैं, पर जब कोई अपना बेटा, क्योंकि ये उस समय से है जब ये 5, 7, 8 साल का था, तब से हमारे साथ हमारे आश्रम से है, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है पुलिस का, और सीआरपीएफ में कमांडेंट हो गया। हमारी सेक्टर 9 से 16 तक जो मेला एसपी हैं, समीर पौरव जी, हाँ मेरे बिल्कुल भाई हैं, और इन्होंने इस सिविल को सीता है, सवारा है और संयोजा है। आपके छोटी बहन मेरी बिटिया, ये 3 साल की थी, कितने साल की थी जब हमने दोनों को गोद लिया था। ये राष्ट्रीय रामकथा, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा आपकी, क्योंकि ये आपको बहुत मानती। गुरु जी मुझे मनोज भैया जैसे गाना है, अरे मैंने कहा तुम बॉम्बे मत चले जाना, गाना बहुत जरूरी है पर बॉम्बे मत जाना, क्योंकि बॉम्बे में एक बार हम और मनोज बाबू दोनों जा रहे थे, मैं रुद्राक्ष का मोटा माला पहना था। हे मेरा एक माइक क्यों बंद कर रखा है, सब चालू करो, अच्छी आ रही है। मैंने कहा किसी को एक महीने से डांटे नहीं, थोड़ा डांटते हैं। तो मैं और मनोज बाबू, मैं माला पहने जा रहा था, शक्ति कपूर इत्यादि बहुत बड़े सुपरस्टार सभी वहां थे। उस दिन मनोज बाबू मेरी गाड़ी चला रहे थे, 2012 की बात है। तो मैं बड़ा मोटी माला पहना था सोने का, शक्ति कपूर ने कहा गुरु जी ये माला मुझे दे दीजिए। पूरी मीडिया मुंबई की थी, वहां बॉम्बे की पूरी मीडिया थी। मनोज जी ने कान में कहा गुरु जी दीजिएगा मत, ये वापस नहीं देगा। तो मुझसे रहा नहीं गया, और उसने कहा नहीं आपको मेरी सौगंध, मेरी माँ की सौगंध, मेरी बाप की सौगंध, मेरी बेटी की सौगंध, आपको ये माला मुझे देना है। हमने वो माला पहना दिया। सच में 2 मिनट बाद वो बोला कि अब ये वापस नहीं दूंगा। तो माला वो बहुत बड़ी नहीं थी, 5-10 लाख के आसपास की माला की कीमत होगी, लेकिन वो रुद्राक्ष बहुत अच्छा था। तो मनोज जी ने कहा कि देखो उसकी कान में, शक्ति कपूर के कान में कहा मनोज जी ने ये माला दे दो, ये महाराज कैलाशानंद जी का माला, ये आग का गोला है, जल के राख हो जाओगे। तो उसने धीरे से माला उतारा और मेरे वापस गले में डाल दिया। तो आप देखो उस दिन पूरा बॉम्बे था, वहां बॉम्बे के सभी बड़े स्टार थे। मनोज बाबू ने कहा कि गुरु जी अगर मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो सभी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, इसलिए मैं जमीन में बैठता हूँ, जितने स्टार हैं यहाँ सुपर स्टार और स्टार, ये सब सोफा पे उतर, सोफा से उतर करके जमीन में बैठ जाएंगे, और सभी लोग जमीन में बैठे। देखो मनोज जी से एक देश को सीखने को मिलता है कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, इतना बड़ा गायक हूँ, इतना बड़ा राजनेता हूँ, और निसंदेह आज भारत के उन राजनेताओं में आपका नाम है जो नरेंद्र मोदी जी अपने मुख से आपका नाम लेते हैं। जब से आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने, देखो मेरे तो बिल्कुल लाडले हैं, आप ये मानो कि भाई मेरे दिल में जैसे चांद है, ओम है, मंजीत है, सुशील है, जो योगेश्वर दत्त है, जो देश के बड़े पहलवान हैं, ये सभी हमारे आश्रम के बच्चे हैं, और ये सब मनोज जी को अपना भाई मानते हैं। बड़े चांद और ओम की, ओम दोनों खड़े हो जाओ, लगभग 15 पहलवान आया हुआ है जो इंटरनेशनल पहलवान है दुनिया का। ये तो भाई इसने 2007 में पूरी दुनिया के पुलिस को हराया और गोल्ड मेडल लिया। डिप्टी कमांडेंट था सीआरपीएफ में, अभी 8 दिन पहले इसको
फुल कमांडेंट का पदोन्नति हुआ, इसका फुल कमांडेंट की इसको स्टार मिला। तो ये बच्चे आश्रम के करीबन कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। अपने आश्रम में कितने पहलवान हैं, 1000। कितने पहलवान हैं? और 1000 सभी खली को चैलेंज देने वाले हैं, सब के सब। कुंभ में जब अभी हमारे यहाँ आए, गुज बापू जी का जब शरीर पूरा हुआ तो पूरा गुजरात इनको देखने उमड़ा। 7-7 फीट के पहलवान आए थे। अरे बोलिए, कैलाशा नंद का ही रत्न हो सकता है। तो देश में मनोज तिवारी जी से जो स्नेह करते हैं लोग, वो निसंदेह भारत में, दुनिया में वो लोग, क्योंकि जो लोग इनसे स्नेह करते हैं वो अगाध स्नेह करते हैं इनसे, और वह स्नेह शब्दों से वर्णन करना संभव नहीं है। इसका बहुत मन है मेरी ज्योति का, क्योंकि ये ज्योतिश्वरानंद हुई, ये संन्यास ले ली, इसने कहा मैं गुरु जी की सेवा करूंगी। तो इसका बहुत मन है आपके साथ एक भजन ये गाए। जाओ बेटा, ये 2.5 साल की थी। कितने साल की थी ये? जोरदार ताली तो गोद लिया। और मनोज बाबू, इसे जो छोटी है वो पूरे देश में दुनिया में 10वें नंबर का कॉलेज है देहरादून में, उसमें बिना सिफारिश एडमिशन ली उसने मेरिट पे आकर के, और IPS कर रही है। क्या कर रही है वो? IPS कर रही है। और हमने उसके लिए वहां उसका एडमिशन कराया। तो ये सारी टीम जो चांद बेटा है, ओम है, आप यहाँ बैठेंगे, आप उसके पास रहेंगे तो उसका थोड़ा आत्मबल मजबूत रहेगा। सभी लोग बैठ जाएं, आनंद देखो, बैठ के आनंद आएगा, आपको खड़े में आनंद नहीं आ सकता। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग शांति से बैठ जाइए प्लीज। ओ भैया, जैकेट वाले भाई साहब, बैठ जाओ। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। रंजना जी, केवल जैकेट वाले मत बोलो, पैंट शर्ट वाले को भी बोल दो। रंजना मेरी बहुत लाडली है, बहुत लाडली। और सारे लोग देखिए, गुरु जी ने कह दिया प्लीज दरवाजे के पास वाले स्वेटर वाले लोग भी बैठ जाए, शॉल वाले बाबा आप भी बैठ जाओ प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बैठ के प्लीज। सर 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 आप भी बैठ जाइए, पगड़ी वाले सर आप भी बैठ जाइए प्लीज। आप कोई खड़े नहीं, आप भी बैठ जाओ सर, जब गुरु जी का आदेश हो गया तो बैठ जाइए। ब्यूटीशियन बैठ जाइए प्लीज। सर येलो जैकेट बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। जो लोग बैठ गए जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए भी। और अब कोई खड़ा नहीं होगा, बस आइए शांति से सुनते हैं हम लोग। और सबको प्रसाद में बढ़िया बूंदी खाने को मिलेगी अभी, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए प्लीज। दुनिया कैसे देखेगी यहाँ पर क्या हो रहा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा प्लीज। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं, आप हैं तो ये देखिए कार्यक्रम चल रहा है, पता नहीं अभी कितनी देर तक चलेगा। एक गाना मैं भी गाऊंगी मनोज भैया के साथ बाद में।
एक क्लासिकल, ज्योति बेटा एक क्लासिकल जो तुम्हारा सबसे प्रिय है। मनोज तिवारी जी शाही स्नान करने आ रहे हैं,
अभी तो आप जा रहे हैं, गंगा मैया देखेंगे और आसमान के कुछ तारे देखेंगे और आपके लोग आपको देख लेंगे। आपने मुझे बता दिया, हम लोगों ने सुन लिया। लेकिन जब सुबह हमारे साथ रथ पे बैठ के आप जाएंगे तो पूरी दुनिया को संवाद जाएंगे, पूरी दुनिया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया, तेजस्वी साहब, अरविंद बाबू, इंटरनेशनल मीडिया। और अभी देखिए आपके लिए कितना सुंदर रथ, लगभग 5-7 लाख रुपए लगा करके रथ सजाया गया, बाहर खड़ी है, अभी आपको दिखाते हैं। जब गुरु जी के साथ आप एक तरफ अरविंद सिंह बिष्ट, देश का सबसे बड़ा पत्रकार, एक तरफ देश का सबसे बड़ा स्टार, तो पूरी दुनिया आपको ये देखेगा कि भाई मनोज तिवारी ने स्नान किया है। तो इस बार 5 करोड़ लोग आए, हरिद्वार के कुंभ में 10 करोड़ लोग आएंगे, क्योंकि अभी सारी मीडिया वाले सो गए होंगे, सोने में बहुत चतुर होते हैं ये सुबह जगेंगे, जब अखाड़ा जगेगा। पहला जो स्नान का समय है वो महानिर्वाणी का है, 5:45 बजे, क्यों एसपी साहब, 5:45 बजे। उसके बाद जूना निरंजनी का समय है 7:15 बजे। फिर मेरा जो समय है, हमारा जूना अग्नि और आवाहन, लगभग 2 लाख नागा रहेंगे हमारे साथ। कितने नागा, अब बताइए, 2 लाख नागाओं के बीच में जब मनोज तिवारी जी रथ पे दिखेंगे तो क्या दृश्य होगा, क्या दृश्य होगा। और 7 बजे हम अपने शिविर से प्रस्थान करेंगे, 8 पूरे दिव्य मुहूर्त में सूर्य की लालिमा और हमारा स्नान, 8:40 मिनट का हमारे पास समय है गंगा स्नान करने का। हम वहां भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे, अर्घ देंगे, जलाभिषेक करेंगे और आप सुपरस्टार की तरह पुनः रथ पे आके बैठेंगे, फिर आपको पूरी दुनिया देखेगा। तो देखिए, स्नान करना मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, आदित्यनाथ जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, वो ये रहा कि पूरी कैबिनेट यहां स्नान करे, लेकिन किसी सुपरस्टार ने स्नान नहीं किया आज तक। तो जब आप स्नान करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा आपको, ये तैयार हो जाएंगे, हो गए। तो जब आप स्नान करेंगे, जब वहां चारों तरफ बड़ी बड़ी कैमरे लगे हुए हैं, जो अमेरिका के कैमरे वाले आए हैं उनके कैमरे, तो सब लोग एक रट होगा, अरे मनोज तिवारी रस्ते है, तो पूरी देश नहीं दुनिया को संवाद जाएगा। तो मुझे, मैं इसलिए पहले सोच रहा था कि पता नहीं सुबह मुझे मौका मिलेगा नहीं, तो आपने मौका दे दिया। आपको पहले मैं आपका रथ दिखा देता हूँ कि आपका रथ तैयार कैसे हो रहा है। जब उस रथ पे आप बैठेंगे तो एक तो वैसे स्टार सुपर स्टार, और जब उस रथ पर बैठेंगे तो ट्रिपल सुपर स्टार। तो पूरी दुनिया देखो, हमारा काम है संदेश देना। नरेंद्र मोदी जी का काम क्या है, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का संदेश देना। हिंदुत्व का संदेश कौन देगा, हिंदुत्व का संदेश पूरी दुनिया में मनोज तिवारी देगा, नरेंद्र मोदी जी देंगे, आदित्यनाथ जी देंगे, और भारत के साधु संत और भारत की जनता देगी। आज अमेरिका, आज लगभग हमारे छोटे शिष्य हैं ये मनोज बाबू, ये ऑस्ट्रेलिया में आपने आश्रम बनाया है, मेरा छोटा बेटा है, अभी आपके साथ भजन में आया था पायलट बाबा के यहाँ, 2010 में मैंने इसको दीक्षा दिया। ये गुरुकुल कांगड़ी पास आउट है PhD से, योग से, और ऑस्ट्रेलिया में इसने जाकर अभी योग का सेंटर खोला है। आपके साथ लगभग 20 बड़े उद्योगपति ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, आपके रथ पे जब वो लोग रहेंगे, आपके साथ रथ पे रहेंगे, आए एक साथ राधे बाबा, देश के देवराहा बाबा के सबसे बड़े शिष्य आपके साथ रथ पे रहेंगे। तो आप देखिए, ये अनुपम दृश्य होगा आपके रथ का, अनुपम दृश्य, और पूरी दुनिया को संवाद आपके द्वारा ये जाएगा कि जो कुंभ में नहाएगा वो पावन होगा, जो कुंभ में नहाएगा वो निर्मल होगा। देश की जब आपको जो मैं पहन रखा हूं वही पहनाऊंगा। आप देखो, भगवती की कृपा आप पे, महादेव की कृपा आप पे, गंगा मैया की कृपा आप पे, राष्ट्र के वो सभी जो सज्जन लोग हैं उनकी कृपा आप पे, भारत के जो मूर्धन्य संत हैं, वरिष्ठ संत हैं, उनकी कृपा आप पे, फिर आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। तो
ये लीजिए अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम हनुमान जी। तो निसंदेह आपके द्वारा जो संवाद जाएगा, भैया हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पूरे दुनिया में संवाद जाए कि जो गंगा नहाएगा वो पवित्र होगा, जो शाही स्नान करेगा वो पवित्र होगा। तो आपके आपको देख करके पूरी दुनिया को संवाद मिलेगा, पूरी दुनिया को एक संदेश मिलेगा कि आदरणीय मनोज तिवारी जी ने, देखो देश के बड़े राजनेता आए, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट आई, सबने स्नान किया, लेकिन सबने न्यूज जो छापा वो नेशनल न्यूज नहीं था, नेशनल न्यूज था, इंटरनेशनल नहीं था। लेकिन जब कल आप डुबकी लगाएंगे तो वो इंटरनेशनल न्यूज होगा। अब देखिए लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल न्यूज होगा। और अमेरिका का अखबार हो या भारत के किसी कोने का अखबार हो या दुनिया का कोई कोने की अखबार हो, आप हर अखबार के कोने पे कल शाम को रहेंगे। आपका रहने का आपको किसी की पब्लिसिटी की आवश्यकता आपको नहीं है, ये मैं जानता हूं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन दुनिया के उन लोगों को पब्लिसिटी की आवश्यकता है जिनको आपके द्वारा संदेश मिलने वाला है, जिनको आपके द्वारा एक संवाद मिलने वाला है। निसंदेह मोदी जी को बड़ी प्रसन्नता होगी, और हो सकता है कि मोदी जी कल ट्वीट करके ये कहें कि मनोज तिवारी जी आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद है आपको मेरा। आइए अभी बहुत रात्रि न बिताया जाए, सब की प्रतीक्षा बूंदी कर रहा है, तो आप सभी बूंदी खा लें, सभी लोग जितना आपका मन करे उतना बूंदी खाएं। और पुनः 4:30 बजे आपको सबको तैयार होना है, 5 बजे हम सब प्रस्थान करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। हेलो हेलो। आज की अति प्रभुति आप सभी के बीच में, बड़े भैया श्री मनोज तिवारी जी हमारे आदर्श बड़े भैया ने आप सभी के बीच में बड़ा सुंदर सा भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो, आइए आज की अंतिम प्रस्तुति आप सभी के बीच में। एक लाइन मुझे कहना है, आइए। हेलो मिश्रा बंधु जी, एक